14 दिसंबर साल 1900, इस दिन तक हम सभी लोग सिर्फ एक ही तरह का फिजिक्स जानते थे, जो कि था ऑब्वियसली क्लासिकल फिजिक्स। लेकिन इस दिन एंट्री होती है एक ऐसे फिजिक्स की जो कि अब तक में हमारे इस दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल के रख देने वाला था, क्योंकि इसी दिन ये डिक्लेयर किया जाता है कि क्वांटम फिजिक्स भी फिजिक्स का एक पार्ट होने वाला है। अवेल, इस क्वांटम फिजिक्स की शुरुआत तो 1880 के दशक से ही शुरू हो गई थी, क्योंकि 1880 के दशक में ही ये एटम का आविष्कार होता है और वहीं से शुरू होती है एक ऐसी दुनिया जो कि अभी तक हम ह्यूमंस से अनएक्सप्लोर्ड और अनदेखी थी। तो चलिए क्यों ना आज की इस वीडियो में हम लोग इस क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स में आखिर क्या डिफरेंसेस है और आखिर ये दोनों होते क्या है, इसके बारे में जाने। वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा, काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। और हाँ, चैनल पर नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर देना। साल 1900 से पहले पूरी दुनिया सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स को ही जानती थी और जिस वजह से ये क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर ही हर चीज आधारित था, यानी कि हमारे इस यूनिवर्स में जितने भी फिजिकल लॉ थे, थियरीज थी, फॉर्मूला था, सब ये क्लासिकल फिजिक्स के ऊपर ही बेस्ड था। लेकिन एटम के आविष्कार के बाद अचानक से एक ऐसी मोड़ आती है इस फिजिक्स की दुनिया में जो कि कही नहीं जा सकती, क्योंकि एटम के आविष्कार होने के बाद जो भी पास्ट की थियरीज थी, यानी कि जो भी क्लासिकल फिजिक्स के बेस्ड जो थियरीज और फॉर्मूला बनाए गए थे, वो कुछ चीज़ों में फिट नहीं बैठ रहे थे। अगर इन शॉर्ट में बोलूँ तो हमारे इस यूनिवर्स में उसके बाद कुछ ऐसे फेनोमेना होने लगे, कुछ ऐसे घटनाएं घटने लगी जो कि क्लासिकल फिजिक्स समझाने में असमर्थ था। और बस फिर क्या, यहीं पर एंट्री होता है हमारे क्वांटम फिजिक्स का। अब क्वांटम फिजिक्स पे जाने से पहले मैं आप लोग को कुछ क्लासिकल फिजिक्स के बारे में बता दूं। क्लासिकल फिजिक्स यानी कि अगर मैं एक लाइन में बताऊं तो वो फिजिक्स जिसे कि आप डेली लाइफ में यूज करते हो। अब अगर मैं इस क्लासिकल फिजिक्स को एक एग्जांपल के द्वारा समझाऊं तो जैसे कि हम लोग नॉर्मली फिजिक्स जानते हैं कि हर चीज ऊपर गिरने वाली, सभी चीज नीचे ही गिरती है, यानी कि धरती पे ही गिरती है, क्योंकि हमारे अर्थ के पास ग्रेविटेशनल फोर्स है और भी कई सारे फिजिक्स जो कि हम नॉर्मली लोग भी जानते हैं। अब अगर मैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में बताऊं तो जहां पर ये क्लासिकल फिजिक्स खत्म होती है वहां से ये क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट होती है, क्योंकि अब ये क्लासिकल फिजिक्स काफी ज्यादा स्मॉल चीज है और काफी ज्यादा फास्ट चीज है, जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट, ये सारे चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने में असमर्थ था। अब क्वांटम फिजिक्स में बेसिकली बहुत ही ज्यादा छोटे लेवल पे थियरीज और फॉर्मूला होते हैं। अब ये क्वांटम फिजिक्स में ज्यादातर सब एटॉमिक पार्टिकल यानी कि एटम, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और काफी ज्यादा स्पीडी सब्सटेंस जैसे कि हम स्पीड ऑफ लाइट को मानते हैं, ऐसे सारे चीजों को समझाने के लिए इस क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी जाती है। और अब जब एटम का आविष्कार हो ही गया था तब हमारे साइंटिस्ट कहाँ चुप रहने वाले थे, ये उसके बाद एक के बाद एक ऐसे रिसर्चेस करते गए और एटम के अंदर प्रोटोन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, उनके अंदर क्वार्क्स, ऐसे काफी सारे चीजों का खोज होने लगा। और ये क्वांटम फिजिक्स भी हमारे लिए धीरे धीरे काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और काफी ज्यादा पेचीदा भी होने लगा, क्योंकि अगर मैं इस क्वांटम फिजिक्स की बात करूं तो अभी तक हम इस क्वांटम फिजिक्स के बारे में काफी ज्यादा कम जानते हैं। और वो इसी के लिए क्योंकि जैसे जैसे हम क्वांटम फिजिक्स के अंदर घुसते जाते हैं वैसे वैसे हमारे सामने चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ने लगते हैं, और या तो हम घूम फिर के वापस से उसी पोजिशन पे आते हैं जहां से हम स्टार्ट किए थे, जिस वजह से शायद अभी भी हम क्वांटम फिजिक्स के उतने ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाए। अगर मैं इसके कुछ चौंकाने वाले एक्सपेरिमेंटल्स के बात करूं तो इसमें सबसे नंबर वन पे मैं जिसे मानता हूं वो है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसके ऊपर मैं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में भी वीडियो बनाया हूं जिसे आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके इजिली देख सकते हो। इसको अगर मैं ऊपर से बताऊं तो इसके अंदर होता कुछ ऐसा है, जब हम लाइट को दो स्लिट से पास करते हैं तो वो कुछ ऐसे इंटरफ्रेंस पैटर्न दिखाते हैं, और वहीं पर जब हम एक डिटेक्टर लगा लेते हैं उसी डबल स्लिट में तो वो बिल्कुल पार्टिकल के तरीके से बिहेव करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग भी है हमारे लिए। इसकी दूसरी और सबसे बड़ी थियरी की अगर मैं बात करूं तो इस क्वांटम फिजिक्स में सबसे बड़ी थियरी है क्वांटम फील्ड थियरी, और इस क्वांटम फिजिक्स में ही क्वांटम इंटेंगलमेंट एंड सो ऑन, ऐसे भी बहुत सारे क्वांटम फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट और थियरी थे जो कि हम लास्ट तक यानी कि इसके एंड तक पहुंच ही नहीं पाए हैं। अब आप इसी बात से समझ सकते हैं कि जैसे इस क्वांटम फिजिक्स से पहले हम सब सिर्फ यही जानते थे कि ये यूनिवर्स में जो भी चीज मौजूद है वो सब पार्टिकल के फॉर्म में मौजूद है, लेकिन इस क्वांटम फिजिक्स के आने के बाद हमें ये पता चला कि नहीं, ये यूनिवर्स में जो भी चीज मौजूद है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, यानी कि पार्टिकल और वेव फॉर्म में। इवन लाइट भी
पार्टिकल और वेव के फॉर्म में ही एग्जिस्ट करती है। अब आपको लाइट के नेचर के बारे में जानना है तो मैं अच्छे से इस वीडियो में बताया हूँ, आप लोग इस वीडियो को जाकर जरूर से देखिएगा। और हाँ, कमेंट में मुझे ये जरूर बताइएगा कि फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स किसे कहते हैं। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा और जो भी पहले कमेंट करेगा उसका कमेंट मैं अपने कमेंट बॉक्स में पिन करने वाला हूँ। सो फटाफट से कमेंट कर देना।